आइए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अली अहमद। अच्छा, ये बताइए कि आइए बेटा, आइए आइए, तो आइए तशरीफ आइए। ये आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुई और आपको तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ वाले यहाँ क्यों लेकर आ गए आईजी ऑफिस? मैं फिर स्कूल जा रहा था। हाँ। तो लड़के मजाक उड़ाते थे मेरा, तो फिर मैंने स्कूल छोड़ दिया। 3-4 साल में स्कूल नहीं गया। आपको पढ़ने का शौक था जी, तो ये क्या कोई नेचुरल इशू है? जी सर, नेचुरल इशू है। ट्यूमर बन गया? जी सर। फिर क्या हुआ उसके बाद? मैं स्कूल नहीं गया, मैं और मेरी मम्मा बाजार में फिर इतना सब्जी लेने गए थे, तो आंटी हमें वहाँ पर मिली, तो इन्होंने बुलाया और कहा कि बच्चा क्या करता है, तो मामा ने कहा स्कूल जाता था, लड़के मजाक उड़ाते थे, इसकी वजह से ये ना परेशान होता था, तो स्कूल ने इसने छोड़ दिया। फिर आंटी ने कहा बच्चे को लेकर उसके बाद स्कूल आना, मैं ऐसा करिए एडमिशन करवाऊँगी स्कूल में। तो मैं दोबारा हम स्कूल गए थे, आंटी हमारे साथ भी स्कूल हेडमास्टर को समझाया प्यार से कि ना ये बच्चे को मजाक ना उड़ाया करें। तो ये आपको कैसे ख्याल आ गया इसको देख के, इतना अच्छा आपने काम किया? सर ये मुझे बाजार में मिले तो मेरा दिल किया कि मैं इस बच्चे से बात करूं। बहुत अच्छा किया। और एक शख्स जिसका किसी चीज़ के लिए कोई कसूर हो या ना हो, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई चेहरा डिफॉर्म हो जाए, या किसी बंदे को कोई ट्यूमर हो जाए, उसका इलाज करें, तो इनका भी स्कूल जाना शुरू हो गए? जी सर। तो उस बंदे का क्यों मजाक उड़ाते हैं यार, उसका क्या कसूर है? और आपके घर में नहीं हो सकता, आपके साथ नहीं हो सकता। अच्छा फिर आप इनको जब लेके गए तो अब ये स्कूल जा रहे हैं तो? हाँ जी यार। अब कोई बच्चा मजाक उड़ाए चाहे वहाँ थानेदार को जाके बैठना पड़े सर, 4 थानेदार बिठा दें सर, कोई बच्चा हाथ नहीं लगाएगा सर, और चाहे पुलिस फोर्स को किसी हद तक भी जाना पड़े बच्चा पड़ेगा, चाहे इसके शाम को ट्यूशन आप खुद कराएंगे। इंशाल्लाह। सो प्राउड ऑफ यू, और आपको मुझे फख्र है आपके ऊपर और आपकी टीम के ऊपर, वेल डन। तो अब इसके ऑपरेशन भी आप लोग करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जी सर इनके हाथ कुछ महीनों बाद ऑपरेशन होते हैं सर, हम इनको हेल्प करते हैं ऑपरेशन। तो ऑपरेशन में बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल बेहतर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और ये शख्स बिल्कुल मेरे और आपके इतना सोचने समझने वाला इंसान है, इसे प्यार कीजिए, और ऐसे कोई भी केसेस हो तो खुदारा मजाक न उड़ाइए बच्चों का स्कूल के अंदर। वेल डन, बैठे तशरीफ।